हेलो फ्रेंड्स, खमा गनी मैं हूँ आपकी शेफ प्रमिला सिंह। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रमिलास कुक बुक पर। फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं धनिए की चटनी, हरे धनिए की चटनी। तो आइए फ्रेंड्स, हरे धनिए की चटनी बनाने के क्या क्या सामग्री काम में आती है वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हरा धनिया, 50 ग्राम हरा धनिया लिया है मैंने, 2 ग्रीन चिली ली है, हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की ये कलियाँ ली है मैंने। आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप जीरा डाल सकते हैं, मैं इसमें जीरा भी डालूंगी। और आप लहसुन नहीं खाते हैं तो सिर्फ जीरा डाल सकते हैं। ये है अमचूर पाउडर, ये है लाल मिर्च पाउडर, नमक और एक बड़ा टमाटर काट के रखा है। सबसे पहले मैं जो एक बड़ा टमाटर मैंने काट के रखा था वो हम डाल देंगे इसके अंदर, क्योंकि पहले टमाटर डाल देंगे इसमें तो इसका जो जूस बनेगा उससे ये धनिया की चटनी आराम से पिसेगी। इसके ऊपर हम धनिया डालेंगे। पहले हमने टमाटर डाल दिया, अब इसके ऊपर हमने ये जो धनिया मैंने आपको दिखाया था 50 ग्राम उसको मैंने धो के और काट के रखा है वो इसके ऊपर डाल दूंगी मैं। थोड़ा सा इसको काट लें ताकि लंबी लंबी डंडियों के कारण इसके पीसने में आसानी होगी। और मैंने वो 2 ग्रीन चिली भी इसके अंदर काट दिए, तो इन सबको हम इसमें डाल देंगे जार में। अब ये जो हमने लहसुन लिया था, 7-8 लहसुन की कलियां, वो हमने इसमें डाल दी। इसको काटने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही हो जाएगा, ये तो इसके अंदर पिस जाएगा जब हम इसको पीसेंगे। अब हमारी रेड चिली है, ये रेड चिली पाउडर है। हमने हरी मिर्च इसमें डाली है तो इसमें 1 छोटा चम्मच, 1 टीस्पून समझ लीजिए मैंने ये डाली है लाल मिर्च, और 2 छोटे चम्मच यानी 2 टीस्पून, 1.5 टीस्पून डाल लीजिए आप, क्योंकि चटनी को तो हम चख भी सकते हैं जब बनाने के बाद भी उसमें नमक मिला सकते हैं। और ये 1 टीस्पून इसमें जीरा और अमचूर पाउडर। हमने इसमें हमने टमाटर भी डाला है तो हम अमचूर इसमें डालेंगे तो थोड़ा कम डालेंगे, तो 1/2 टीस्पून अमचूर डाला है मैंने। दोनों की खटाई जब मिलके आएगी तो वो चटनी अच्छी लगेगी। और जो लोग लहसुन नहीं खाते हैं वो जीरा ही डालें, लहसुन ना डालें। तो लीजिए फ्रेंड्स, अब हम इसको पीसेंगे। अब हमने सारी सामग्री इसमें डाल दी, अब हम ढक्कन लगा के इसको पीसेंगे। इसके अंदर पानी डालने की जरूरत नहीं है। यदि धनिया अगर आपके पास थोड़ा हो तो थोड़ा पीसने में दिक्कत आती है तो आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, वरना ये जो टमाटर का नीचे हमने जूस बनेगा ना उसी में ये पिस जाएगी चटनी। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम इसको पीसते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी धनिए की चटनी तैयार है। अब हम इसको बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए, यदि आप इसके अंदर लहसुन नहीं डालना चाहें तो आप सिर्फ जीरा ही डाल सकते हैं, और यदि आप टमाटर भी नहीं डालना चाहें तो अमचूर की खटाई डाल सकते हैं, नींबू की खटाई भी डाल सकते हैं आप। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी धनिए की चटनी तैयार है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे हरे धनिए की चटनी तैयार है। इसके अंदर आप चाहें तो थोड़ा सा पुदीना मिला के भी पीस सकते हैं, इसमें आप चाहें तो अमचूर या टमाटर की जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। टमाटर ना डालना चाहें तो खाली अमचूर भी डाल सकते हैं, और यदि आप लहसुन नहीं डालना चाहें तो उसके अंदर जीरा भी डाल सकते हैं, मैंने जीरा भी डाला है। तो आप लहसुन ना डाल के खाली जीरे की चटनी भी बना सकते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत, धनिया हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है, और उसमें यदि लहसुन डाल दो तो वो खाने को भी हजम करता है, और कई चीज़ों के लिए लहसुन भी फायदेमंद होता है। और आप चाहें तो बिना लहसुन के बनाए किसी भी चीज़ के साथ आप इसको खा सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे हरी धनिए की चटनी तैयार है। इसे आप बनाइए, खाइए और खिलाइए। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगली रेसिपी तक के लिए खमा गनी।